Hey guys, what's up? Welcome to my channel again. और आज हम बात करने वाला है free to play easy build character. मैं सिर्फ free to play character build करने वाला हूँ जो character आपको Shadowland bio से या जो Shadowland bio है या फिर support से daily मिलता है एक 24 घंटे रिसेट के बाद. वो जो बायोस है वो आप यूज़ कर सकते. ऐसे हम मैं फ्री टू प्ले कैरेक्टर बताऊंगा जिसे आप Shadowland बायोस या फिर मंथली चेक इन इवेंट जो चलता है तो वो जो फ्री बायोस है वो बायोस आप यूज़ कर सकते. मैं तो चलिए शुरू करते. तो सबसे पहले बताऊंगा कि मोल्टन मैन एक कॉम्बैट टाइप विलेन है और इसका जो स्किल है फ्लेम टाइप स्किल है. इसका फिक्स स्किल का आई फ्रेम सबसे बड़ा है और बहुत इसका एरिना जो है बहुत बड़ा एरिना कवर करता है. इसका फोर्थ स्किल भी बहुत अच्छा स्किल है एक. और इसका थर्ड स्किल में जो है अटैक बफ है 15% कैरेक्टर साइज इंक्रीज 45% ऑल अटैक एंड 45% ऑल डिफेंसेस. तो मोल्टन मैन एक अच्छा कैरेक्टर है फ्री टू प्ले इजी बिल्ड के लिए. तो नेक्स्ट है वॉरपैथ. वॉरपैथ एक एक्समैन कैरेक्टर है और वॉरपैथ जो है वो एक फ्री टू प्ले बिल्ड कैरेक्टर है एक्समैन कैरेक्टर है. इसका जो बायोज है वो आप डिमेंशन मिशन से पा सकते जो सपोर्ट शॉप है. तो ये भी एक अच्छा जगह है यहाँ से बिल्ड कर सकते या फिर आप एक ही बार में लग 200 बायोमेट्रिक यहाँ से निकाल सकते और यूज़ कर सकते. तो ये एक फ्री टू प्ले इजी बिल्ड कैरेक्टर है. तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको वॉरपैथ मिल जाएगा. तो वॉरपैथ जो है वॉरपैथ एक फ्री टू प्ले कैरेक्टर है बहुत अच्छा कैरेक्टर. इसका ऑल डिफेंस डाउन है इग्नोर इम्यूनिटी के साथ 40% जो वाइल्ड बॉस में भी यूज़ होता है. तो ये आप एक बहुत अच्छा वॉरपैथ कैरेक्टर है. इसका टीयर टू पैसिव है इंक्रीज स्किल डैमेज बाय 32 एंड बोनस डैमेज बाय 15% क्रिट डैमेज बाय 25% इंक्रीज एंड इंक्रीज गारंटीड किट बाई 30%. तो वॉरपैथ एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है. तो नेक्स्ट में आगे चलते हैं बिशप. तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके बेस्ट कैरेक्टर जो है आपको बता दूँगा. तो अगर आपको लगे कि किसी कैरेक्टर के बारे में स्पेसिफिक जानना है तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो. तो मैं उस कैरेक्टर के ऊपर ही एक वीडियो बनाऊँगा. तो शुरू चलिए अब बिशप का देखते हैं. बिशप जो है उसका टीयर टू पैसिव है 60% रेट हुए नीट 100% इम्यून टू इमीडिएट डैमेज फॉर 5 सेकेंड्स. ठीक है. और एक अच्छा बात है कि स्टैक अप ऑल एमएडी डैमेज टेकन 8 सेकेंड इंक्रीज ऑल अटैक बाय 4% फॉर एवरी 1% ऑफ डैमेज टेकन. मतलब कि जितना एनर्जी डैमेज वो रिसीव करेगा उसका 4% अटैक इंक्रीज करेगा एवरी 1% में. तो 8 सेकेंड तक. ये एक बहुत अच्छा स्किल है. और इसका जो 4-स्टार पैसिव है डिक्रीज एमएडी जैन रिसीव बाय 15%. तो ये एक बहुत ही अच्छा पैसिव है. इसका फर्स्ट जो स्किल है वो एक इग्नोर आई फ्रेम स्किल है जैसे कि सैरन रॉजर्स का फोर्थ स्किल. तो बिशप एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है. तो इसे आप फ्री टू प्ले बिल्ड कर सकते हैं. तो नेक्स्ट ऑप पे चलते हैं. नेक्स्ट ऑप में है आपका आयरन हार्ट. आयरन हार्ट भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. इसका जो पैसिव है 100% इम्यून टू लाइटनिंग डैमेज. तो लाइटनिंग डैमेज 100% बिकम इम्यून. तो लाइटनिंग डैमेज जो कैरेक्टर आपका अगेंस्ट अगर आप लड़ रहे हैं तो आयरन हैमर एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है. और इसका जो ऑल डिफेंस डाउन है वो -35% तक जाता है इग्नोर इम्यूनिटी के साथ 5% से लेकर. तो ये आप वाइल्ड बॉस में भी यूज़ कर सकते हैं. और फोर्थ स्किल में भी इसका ऑल डिफेंस डाउन है -1% लेकर 50% तक. तो ये एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है. तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं. तो फ्री टू प्ले बिल्ड के लिए आप बहुत अच्छा है. इसका जो स्किल है ये फिफ्थ में एक बड़ा आई फ्रेम है. फोर्थ भी एक छोटा आई फ्रेम के साथ वी पैड स्किल है जिसे आप घुमा के यूज़ कर सकते हैं. तो एक बहुत अच्छा कैरेक्टर ये एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है आयरन हैमर. नेक्स्ट में है मॉर्गन लिफे. मॉर्गन लिफे भी एक फीमेल
सुपर यूनिवर्सल टाइप सुपर विलेन कैरेक्टर है और यूनिवर्सल टाइप कैरेक्टर सबसे अच्छा होता है, खास करके सुपर विलेन, क्योंकि शैडोलैंड में आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। तो मॉर्गन लीफ एक बहुत ही उम्दा कैरेक्टर है, क्योंकि इसका जो पैसिव है देख सकते हैं 50% इसका जो HP होगा उससे रिवाइव करेगा। तो एक बार आप किसी तरह गलती करें तो अगर मॉर्गन लीफ मर जाए तो ये दोबारा 50% HP के साथ वापस आ जाता है। इसका फिफ्थ स्किल का जो एरिना है वो बहुत बड़ा जगह लेके फिफ्थ स्किल जो है होता है, और फोर्थ स्किल का बीम जो है वो एक वीपर्ड बीम है, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्किल है। इसके इसका जो फिफ्थ स्किल का ये भी इग्नोर इम्यूनिटी है 50% माइनस ऑल डिफेंस डाउन के साथ -1% से लेकर, तो ये भी एक वर्ल्ड बॉस का अच्छा स्किल है। और थर्ड स्किल में जो है इसका सीमेंस आता है, सीमेंस इल्यूजन और गार्ड अगेन 8 hits, माइंड कंट्रोल है 4 seconds का, उसका इसके पास आपका हील है 7% का मैक्स SP रिकवरी। तो मॉर्गन लीफ एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, इसे आप फ्री टू प्ले के लिए बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब जाते हैं ह्यूमन टॉर्च। ह्यूमन टॉर्च आप देख सकते हैं इसका जो नया सूट आया है अच्छा है, उतना खास नहीं है इसका सूट, मतलब कि एवरेज टाइप है, लेकिन ह्यूमन टॉर्च एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है। इसको एविनी मॉ पे लेवल 60 इस हालत में एविनी मॉ का लगभग लेवल 40 के आसपास ही क्लियर कर सकता है। ऊपर से अगर आप फायर डैमेज जो इंक्रीज लीडरशिप है उसको दे सकते हैं, जैसे कि साइटेना या फिर रेड हल्क, तो ह्यूमन टॉर्च एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है। इसका Tier 2 पैसिव भी काफ़ी अच्छा है और इसका फोर्स्टेड पैसिव भी अच्छा है, 80% बिकम इम्यून टू फायर डैमेज, तो फायर डैमेज कैरेक्टर के खिलाफ ये बहुत एक अच्छा साबित होगा। और इसका जो फिफ्थ स्किल है ये भी एक अच्छा स्किल है, 30% रिकवरी ऑफ मैक्स SP, 20% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक्स, तो और 20% प्रिपेयर टू बैरियर सील ऑल डैमेज इम्यून फॉर 5 seconds। तो फिफ्थ स्किल एक बहुत अच्छा स्किल है, फोर्थ स्किल भी एक आई फ्रेम है, और इसका थर्ड स्किल जो है ये एक डिफेंस डाउन स्किल है -20% से लेकर 50% तक इग्नोर इम्यूनिटी के साथ, मतलब के थर्ड स्किल जो है आप वर्ल्ड बॉस में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस स्किल रिपेट स्किल नहीं है, मतलब एक जगह पे खड़ा होकर ये जो फ्लेम अटैक है वो करेगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, लेकिन ह्यूमन टॉर्च जो है एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है। तो नेक्स्ट स्टॉप चलते हैं, नेक्स्ट स्टॉप में है आयरन मैन। अगर आप आयरन मैन का Tier 3 देते हैं और ये नया मार्वल एवेंजर एंड गेम का अगर सूट खरीदते हैं तो ही आयरन मैन एक अच्छा कैरेक्टर है, क्योंकि इसके पहले आयरन मैन का जितना भी सूट है एक भी सूट उसका अच्छा नहीं है, सिर्फ ये वाला सूट छोड़ के। तो अगर ये सूट आप स्पेसिफिकली खरीदते हैं और ये सिर्फ लेवल 60 तक ही रखते हैं या फिर ऊपर ले जाते हैं तो आयरन मैन बहुत एक अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन सिर्फ ये सूट के लिए। अगर आपके पास ये सूट है तो इसका जो फिक्स स्किल है बहुत अच्छा एकदम स्किल है, ये आपका 100% इम्यून टू ऑल डैमेज प्लस टैक अप 10% मैक्स 300% एडिशनल डैमेज फॉर सेकेंड डैमेज टाइम फ्रीज 3 seconds का, जो एक 3 seconds का टाइम फ्रीज कर देता है डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, और एक बहुत अच्छा स्किल है। इसका रिकवरी रेट भी आता है और फोर्थ स्किल भी एक आई फ्रेम है, लंबा आई फ्रेम 10% ऑल डिफेंस स्ट्रेस डाउन से लेकर 30% तक इग्नोर इम्यूनिटी, मतलब वर्ल्ड बॉस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। 15% एनर्जी अटैक इंक्रीज, तो इसके साथ आप दूसरा कैरेक्टर अगर यूज़ करें, मान लीजिए कि आप इंसेंट वन की यूज़ करते हैं उसका 45% का 55, मतलब के प्राइस 60-65 के ऊपर चला जाएगा। तो ये आयरन मैन एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन अगर आपके पास ये यूनिफॉर्म है तो चलिए नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है विंटर सोल्जर। विंटर सोल्जर भी एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन सिर्फ अगर आपके पास इन्फिनिटी वॉर का सूट है तो ये सब एक फ्री टू प्ले बिल्ड है, लेकिन इनका सूट रिकमेंडेड है, मस्ट परचेस है, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म है वो एक सुपर ओपी यूनिफॉर्म है। इसका फिफ्थ स्किल का डैमेज अब जो है बहुत एक अच्छा डैमेज डील है फिफ्थ स्किल का, उसके साथ बफ भी है 10% इंक्रीज ऑल अटैक्स ऑल स्पीड बाई 10% क्रिट रेट बाई 10% एंड रिमूव इन पैकिफिशन। तो ये एक बहुत अच्छा स्किल है फिफ्थ स्किल, हाई डैमेज फोर्थ स्किल भी इसका जो है बहुत अच्छा हाई डैमेज है और 100%
पीपीआर टू सुपर आर्मर बैरियर शील्ड ऑल डैमेज इम्यून इनविंसिबल जो है तो बहुत अच्छा एक स्किल है फोर्थ स्किल, और उसका थर्ड स्किल में 100% चांस फॉर इम्यूनिटी टू ऑल डैमेज फॉर 5 सेकेंड्स। तो आपका इसका जो रोटेशन है तो इसको थर्ड फिफ्थ फोर्थ इस ऐसे तरह का रोटेशन आता है इसका, और इसका भी बिशप की तरह है ये जो डैमेज इंक्रीज ऑल अटैक बाई 4% एवरी ईच 1% डैमेज टेकन, मतलब कि जितना ये डैमेज लेगा उसका 4% एवरी 1% पे डैमेज करेगा। तो विंटर सोल्जर एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन सिर्फ अगर इस इन्फिनिटी वॉर यूनिफॉर्म है तो आप कॉर्वेस हो या प्रॉक्सिमा हायर स्टेज जा सकते अगर आपके पास लेवल 70 विंटर सोल्जर इस सूट में है। तो नेक्स्ट स्टॉप पे जो है वो है रोनिन AKA हॉकआई। हॉकआई का जो है इन गेम का जो सूट है रोनिन वाला, ये एक सबसे बेहतर सूट है हॉकआई का, और पहले का जो सूट्स है वो सब बेकार सूट है। सो अगर आप ये सूट खरीदते हैं तो हॉकआई जरूर अपग्रेड कीजिएगा, या फिर अगर आप अपग्रेड या टियर टू किए हैं तो ये सूट जरूर खरीदिएगा, क्योंकि हॉकआई यानी कि रोनिन जो है इस सूट में एकदम सुपर ओपी है। इसका जो फिफ्थ स्किल है ये भी एक बहुत अच्छा स्किल है आई फ्रेम के साथ, और फोर्थ स्किल भी एक आई फ्रेम के साथ बहुत अच्छा स्किल है। तो 4 सेकेंड के लिए 100% इम्यूनिटी ऑल डैमेज और 40% चार्ज टू पीपीआर बैरियर सील ऑल डैमेज इम्यून। तो फोर्थ और फिफ्थ बहुत अच्छा स्किल है, थर्ड स्किल एक बफेबल स्किल है, इसके साथ ऑल अटैक 25% ऑल स्पीड 5% फिटेड इंक्रीज बाई 15% एंड रिमूव इनकैप्सुलेशन। तो ये जो है आपका थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, या फिर थर्ड फिफ्थ या फोर्थ, ये इसका रोटेशन है। तो ये एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है रोनिन फ्री टू प्ले के लिए। आप स्टोरी मोड या फिर डिमेंशन मिशन हो गया, वर्ल्ड वॉस हो गया, GBR छोड़ के आप लगभग हर एक गेम मोड में आप यूज़ कर सकते हैं टाइमलाइन बैटल किसी हफ्ते छोड़ के। तो फ्री टू प्ले के लिए इजी बिल्ड कैरेक्टर ये बहुत अच्छा है। इसके आप शैडोलैंड बायो या फिर स्टोरी मोड में भी आप इसको अपग्रेड कर सकते हो, और इसका अपग्रेड का कॉस्ट जो है वो सबसे कम है, जो स्टोरी मोड के जो 12 चैप्टर तक जो कैरेक्टर्स है उसका अपग्रेड कॉस्ट सबसे, मतलब कि बायो और मटेरियल्स गोल्ड कॉस्ट सबसे लो होता है। तो ये एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है लो कॉस्ट अमाउंट पर, तो ये कैरेक्टर आपको ज़रूर बिल्ड करना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉप थ्री पे चलते हैं। टॉप थ्री पे सबसे पहले जो कैरेक्टर है हम बात करेंगे, तो हम इक्वली बात करेंगे कि किस गेम मोड में ये तीन कैरेक्टर कैसा परफॉर्म करता है। पहले बात करेंगे कैप्टन अमेरिका सैरेन रॉजर्स की। सैरेन रॉजर्स जो है उसका डार्क स्टार यूनिफॉर्म अगर आपके पास है तो एक बहुत अच्छा यूनिफॉर्म है, इसका डैमेज भी बहुत हाई है, लेकिन सैरेन रॉजर्स का जो है वो आप टाइमलाइन बैटल में सैरेन रॉजर्स को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन GBR हो या फिर वर्ल्ड बॉस में हो, ये दो गेम मोड में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला एक कैरेक्टर है, सबसे हाई DPS इंस्टेंट करने वाला एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है। फिफ्थ स्किल का डैमेज भी इसका बहुत एक अच्छा है, फोर्थ स्किल का भी इसका डैमेज अच्छा है, थर्ड स्किल में जो है इसका एक 100% इम्यून टू ऑल डैमेज फॉर 5 सेकेंड है, और ये एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है। और इसका टीयर थ्री जो स्किल है इसका डैमेज सबसे हाई डैमेजिंग कैरेक्टर्स में से एक है। तो ये कैरेक्टर अगर आप बच्चे मतलब कि अपग्रेड करेंगे और डार्कस्टार यूनिफॉर्म को लेंगे टीयर थ्री तक ले जाएंगे या फिर टीयर टू तक ही रखें तो वर्ल्ड बॉस में GBR में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, अगर आप टीयर थ्री में ले जाते हैं, और इसका टीयर थ्री कॉस्ट भी लो है 800 CCF के साथ, मतलब के कॉस्मिक क्यूब फ्रेगमेंट के साथ, तो ये एक बहुत अच्छा PvE कंटेंट के लिए कैरेक्टर है सैरेन रॉजर्स। तो नंबर टू पे है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका जो है बहुत अच्छा कैरेक्टर है, ये टाइमलाइन बैटल पे भी लड़ सकता है, GBR में भी बहुत अच्छा करता है, और वर्ल्ड बॉस में भी बहुत अच्छा लड़ता है। कैप्टन अमेरिका का जो टीयर थ्री स्किल है वो जो स्किल है एक हाई डैमेजिंग स्किल है, लेकिन ये जो स्किल है ये स्किल दूसरी टीयर थ्री के तरह नहीं है, ये आपको पुश करके होल्ड करके रखना पड़ेगा और उसका स्टैकअप होगा उसका जो पावर है, और फिर इसको स्किल को
कास्ट करेंगे तो इसका जो डैमेज है ये बहुत ऊपर तक जाएगा, और इसका टीयर 3 स्किल का जो बाफ है वो बहुत अच्छा बाफ है और इसका डैमेज भी बहुत हाई है। फिफ्थ स्किल में जो है इसका फिफ्थ स्किल का जो इफेक्ट है वो भी 25% ऑल अटैक ऑल डिफेंसेस इंक्रीज बाय 1% फॉर 20 सेकेंड्स एंड ऑल स्पीड बाय 10% इग्नोर डिफेंसेस। तो ये जो है एक बहुत अच्छा स्किल है, इसके ऊपर शॉक डैमेज भी है। फोर्थ स्किल पे जो है 10% डिक्रीज ऑल डिफेंस से लेकर 30% इग्नोर इम्यूनिटी के साथ, मतलब कि ये स्किल आप यूज़ कर सकते हैं वर्ल्ड बॉस में। इनविजिबल फॉर 4 सेकेंड, डील शॉक डैमेज एवरी 1 सेकेंड। कैप्टन का जो थर्ड स्किल है वो है आपका 20% इंक्रीज ऑल डिफेंसेस। तो आपका इसका जो रोटेशन है फिफ्थ फोर्थ थर्ड या फिर थर्ड फिफ्थ फोर्थ, क्योंकि फिफ्थ का बफ जो है अच्छा है और थर्ड का अगर आप डिफेंसिव बफ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। तो आप अगर टीयर 3 कस्ट करेंगे तो मेरा रिकमेंडेशन यही है आप फोर्थ के बाद फिफ्थ कैंसिल, थर्ड फिर टीयर 3 यूज़ कीजिए, क्योंकि टीयर 3 का जब तक आप टीयर 3 स्किल चार्ज होगा कैप्टन का, अगर आप वर्ल्ड बॉस में लड़ रहे हैं या फिर GBR में तो थोड़ा बहुत कभी डैमेज ले लेता है, लेकिन थर्ड के बाद अगर आप जरा थर्ड को अगर कैंसिल करके टीयर 3 करेंगे तो थर्ड का जो ऑल डिफेंसेस है और ऊपर से फिफ्थ का जो ऑल डिफेंसेस है तो मिक्स्ड होके तो 3-4 सेकेंड अगर होल्ड करेंगे तो इसका डैमेज भी अच्छा देगा और कोई डैमेज भी नहीं लेगा। तो और अभी आ जाते हैं नंबर 1 कैरेक्टर फ्री टू प्ले बिल्ड, सैरेन रॉजर्स विथ हिज यूनिफॉर्म। अगर आप पुराना सैरेन रॉजर्स का यूनिफॉर्म परचेस किए कैप्टन मार्वल का, वो एक बहुत अच्छी यूनिफॉर्म है, लेकिन उससे भी अच्छा है एंड गेम के यूनिफॉर्म कैप्टन मार्वल की बहुत अच्छा है। लेकिन कैप्टन मार्वल का एक बात है जो है इसका टीयर 3 स्किल, कैप्टन मार्वल का टीयर 3 स्किल उतना अच्छा डैमेज नहीं करता, ये उतना अच्छा डैमेज नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप रेडियंट फॉर्म लेते हैं फिफ्थ स्किल के साथ टीयर 3 यूज़ करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा इसका डैमेज आता है, लेकिन कैप्टन मार्वल नंबर 1 PvP एंड PvE कंटेंट के लिए है। अब अगर टाइमलाइन बैटल पे यूज़ करेंगे तो कैप्टन मार्वल सबसे बेहतर कैरेक्टर में से एक है, मतलब कि लगभग 1 साल के ऊपर कैप्टन मार्वल ने राज किया है टाइमलाइन के ऊपर, लगभग 1 साल डेढ़ साल तक कैप्टन मार्वल ने टाइमलाइन के ऊपर राज किया। कैप्टन मार्वल बहुत ही हाई DPS कैरेक्टर है, बहुत ही एक अच्छा कैरेक्टर है। इसका जो 5-star का बाफ है बहुत अच्छा है, इंक्रीज ऑल अटैक बाय 15%, रिमूव ऑल एक्टिव बाफ फ्रॉम टारगेट 1 सेकेंड एंड इंक्रीज ऑल अटैक बाय 15%, ऑल स्पीड 4% एंड क्रिट रेट 15% एंड रिमूव ऑल इम्पैकेशन एंड गार्ड हिट्स 10 हिट्स तक 10 सेकेंड तक। ये एक बहुत अच्छा स्किल है, उसके साथ फोर जो है इसका फोटोन कॉम्बो, ये एक बहुत अच्छा स्किल है। उसके साथ इग्नोर टारगेटिंग इफेक्ट के साथ किसी कैरेक्टर अगर आई फ्रेम में चला जाए तो ये स्किल से आप उसको आई फ्रेम से बाहर निकाल सकते हैं और मार भी सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा स्किल है। उसके साथ इसका थर्ड स्किल जो है एक हाई डैमेजिंग स्किल है, थर्ड स्किल बहुत एक अच्छा हाई डैमेजिंग स्किल है, सेकेंड और फर्स्ट उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हैरी रॉजर्स को फिफ्थ के बाद फोर्थ या थर्ड यूज़ अगर कीजिएगा तो इसका बहुत एक अच्छा डैमेज आएगा। हैरी रॉजर्स मेरे लेवल 6 का जो है उसका 508 है, और वो इसके एनर्जी था कस्टम गियर, मतलब कि एक CTP था एनर्जी, तो मैं दूसरे कैरेक्टर के लिए एक जो डिस्काउंट आया था तो उसके लिए मैं उसको अनइक्विप किया, नहीं तो सैरेन रॉजर्स एक अभी भी सिर्फ एक ओबीली कस्टम गियर के साथ बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो नंबर 1 कैरेक्टर जो है आपको फ्री टू प्ले अगर आप है इजी बिल्ड में तो सैरेन रॉजर्स आपको बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि इसका जो बायोमेट्रिक्स है वो आपको स्टोरी मिशन से मिल जाएगा और शैडोलैंड या फिर मंथली चेकिंग इवेंट में जो बायो मिलता है वो से आप अपग्रेड कर सकते हैं, और इसका अपग्रेड कॉस्ट सबसे लो कैरेक्टर्स में आता है। इसका 6-star जो कॉस्ट है बायोस का 160 है 320 के बजाय, तो ये सैरेन रॉजर्स एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है। तो गाइस ये था एक मेरा फ्री टू प्ले इजी बिल्ड कैरेक्टर अपग्रेड जो था, तो एक ये एक
सजेशन था कि ये जो 10-12 कैरेक्टर है ये सबसे अच्छा फ्री टू प्लेयर्स के लिए है और इजी बिल्ड कैरेक्टर्स है। इस इन कैरेक्टर्स को आप स्टोरी मोड से या फिर बायो सब से स्टैडोलन के बायो से भी आप अपग्रेड कर सकते हो। तो यही था दोस्तों, थैंक यू। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपके आपको कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा। मैं बस अपना थॉट मेरा जो थॉट है तो वही बस शेयर कर रहा हूँ। आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, कौन से कैरेक्टर कौन से नंबर में होना चाहिए। मैं बस इस तीन कैरेक्टर्स को ही तीन नंबर दिया और बाकी जो कैरेक्टर्स है उनका उनका कोई नंबर नहीं दिया कितने नंबर पे होना चाहिए, बस ये तीन कैरेक्टर को। तो आपको अगर लगे कि ये कैरेक्टर्स भी आप चाहते हैं कि नंबर 4, 5 या 3rd पे कोई कैरेक्टर हो तो प्लीज़ बताइएगा। यही था दोस्तों, अगली बार मिलते हैं और ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।